स्टूडेंट्स आज हमें नुआ गोटे चैप्टर स्टार्ट करिबा दैट इज रेस्पिरेशन जाबो ओडिया रे तमे पढिछ श्वसन किंतु जोटा तमे पढिछ सेटा किलो जी कोशिक श्वसन तेणु रेस्पिरेशन रो दुईटा पार्ट अछि फर्स्ट पार्ट इज गैसियस एक्सचेंज फर्स्ट पार्ट इज गैसियस एक्सचेंज बा गैस विनिमय जोटा को कहा जाए CO2 O2 या माने नो जे CO2 टा O2 होबो एटा भाभी तमने CO2 O2 होबो O2 CO2 होबो एटा होची CO2 बाहरिबो O2 आसीबो O2 बाहरिबो CO2 पसिबो सो दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज रे हमको दरकार ऑक्सीजन काहे कि द रेस्पिरेशन को बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मध्य कहा जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन गैसियस एक्सचेंज रे जते बले हमको ऑक्सीजन मिलिगला या द्वारा कौन हो जहां हमें खाद्य पदार्थ खाऊ फूड मॉलिक्यूल्स तार ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो फूड मॉलिक्यूल मानकर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो सेकंड पार्ट हो सेलुलर रेस्पिरेशन ताले सेलुलर रेस्पिरेशन का पर्पस कौन टू प्रोड्यूस एनर्जी हमें जेकोसी कार्य करने को शक्ति दरकार एनर्जी दरकार तेनालीटा गोटे बायोलॉजिकल सिस्टम गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे केमी आसो ना जहाँ आम खाद्य अच्छी आम ऑक्सीडेट ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करवा से एनर्जी को फॉर्म रे रहिबो ना सेटा तमर एटीपी रे स्टोर हो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी रे स्टोर हेकी रहिबो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तीनटा फॉस्फेट मॉलिक्यूल रे भितरु दुईटा फॉस्फेट मॉलिक्यूल रे स्टोर हेकी टोटल एनर्जी रहे गोटे फॉस्फेट कथाओ 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होल्ड करके रखी परिबो यदि कि एनर्जी से होल्ड करिबो प्लस दरकार पड़े सप्लाई कर परिबो सेंटी दुईटा अछि सो 2 into 7.3 किलो कैलोरी इक्वल टू 14.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यदि कि हमें गोटे एटीपी रु पाइबा पूरा रेस्पिरेशन रे केतरा एटीपी तैयारी होची केमिति तैयारी होची सेटा डिटेल हमें एक चैप्टर रे ही पढ़िबा तेनालीर मेन पर्पस मन रख गैसियस एक्सचेंज देन सेलुलर रेस्पिरेशन जदि ह्यूमन केस आसवा बा एनिमल केस आसवा से तुम ब्रीथिंग पढ़ुच प्लांट से ब्रीथिंग बोली किसी सेपरेट जिनस ना जस्ट तुम स्टोमाटा रे एक्सचेंज हुए स्टोमाटा बा स्टोम जो कह जाए पत्र स्टोमाटा रे तुम गैसियस एक्सचेंज हो किंतु एनिमल केस रे तुम पूरा ब्रीथिंग जिनसा को पढ़ुच पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस टा पढ़ुच तापर सेलुलर रेस्पिरेशन आस तेणु सेलुलर रेस्पिरेशन रे आम केमिति एनर्जी बाहर से स्टडी करवा सो रेस्पिरेशन रो कौन कौन पार्ट रही सो रेस्पिरेशन बा सेलुलर रेस्पिरेशन रे आमर प्रथमे दरकार रेस्पिरेटोरी सबस्ट्रेट तुमको आगे भी कही जोटा केमिस्ट्री में पढ़ुच रिएक्टेंट से बायोलोजी में हूँ सबस्ट्रेट प्रत्येक रिएक्टेंट गुड़ाक ये सबस्ट्रेट कह जाए कहीं यार एंजाइम सहित फिटिंग होकर रिएक्शन कर इट इज रेस्पिरेटोरी सबस्ट्रेट कौन कौन रेस्पिरेटोरी सबस्ट्रेट अच्छा जदि मु एनिमल सेल रो एग्जांपल देबि एनिमल सेल रे ऑलवेज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज किंबा मसल बा लिवर रु आसुथिबा ग्लाइकोजेन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस टोटल लिवर रे हुए रु ग्लूकोज को आसि परिबो कन्वर्ट हेकी तापरे ग्लूकोज कंटिन्यू करिबो तमरो प्रोसेस किंतु मुझे दी गोटे प्लांट सेल रो एग्जांपल नेबे प्लांट सेल रे जनरली ग्लूकोज अवेलेबल न थाए तार पखरे सब बेले सुक्रोज थाए प्लांट सेल रे डाइसैकेराइड C12
H22O11 सुक्रोज थाय एनिमल सेल रे C6H12O6 इजीली अवेलेबल तेणु सुक्रोज वर्तमान हाइड्रोलाइज हुए बा हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कोई पारिबो बा भांगी होय गोटे डाइसाकराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्ट एच सुक्रोज वर्तमान कन्वर्ट हबो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से ग्लूकोज पाखकु आसी पहुंचबो किंतु स्टार्ट हबो सुक्रोज पाखकु एची स्टार्ट हबो ग्लूकोज पाखकु इनवर्टेज एंजाइमटा निहाती दरकार एटा प्लांट सेल रे थाय इनवर्टेज ताको हाइड्रोलाइज कले ही ग्लूकोज आउ फ्रुक्टोज पाखकु आमर ग्लूकोज दरकार जोटा कि अल्टीमेट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन से रेस्पिरेशन रे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म रे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे गोटे ग्लूकोज दुईटा पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस करे ये सब साइटोसोल में चालू वर्तमान पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम रे कन्वर्ट हबो एटा को कहा जाए लिंकिंग रिएक्शन दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग रिएक्शन लिंक करूची क्रेब्स साइकिल को ग्लाइकोलिसिस सहित वर्तमान लास्ट रे हमर आसीबो क्रेब्स साइकिल बा एटा को मध्य कहा जाए TCA साइकिल एई पार्ट टा हमरो माइटोकॉन्ड्रिया रे चलिबो एटीपी साइटोसोल बा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड रे ग्लाइकोलिसिस हबो माइटोकॉन्ड्रिया रे क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू करिवो जेते बेले पाइरुविक एसिड बाहर छि बा हमर क्रेब्स साइकिल विभिन्न प्रोडक्ट बाहर चंती सेति बेले तमरो रिड्यूसिंग पावर मध्य बाहरंती NADH FADH निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एमाने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरिया रे ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी प्रोड्यूस करंती NADH आउ FADH रु एटीपी बाहरियो एटा मु पूरा एंटायर रेस्पिरेशन प्रोसेस टाकु गोटिए लाइन रे समराइज करै छी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस रे दुईटा पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल दबो दुईटा पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलेशन बा एठी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डीकार्बोक्सिलेशन हो प्लस ऑक्सीडेशन हो एसिटाइल कोएंजाइम ने तैयारी करे एसिटाइल कोएंजाइम रे फुनी क्रेब्स साइकिल जते बळे कंटिन्यू करिवो से ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू रे एटीपी प्रोड्यूस करे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नथिले एउठु किछि हबो न मु सपोज ऑक्सीजन कट कर दे बा ऑक्सीजन नाही साडु को किछि हबो एठी अटकि गेल पाइरुविक एसिड रो तेनु बहुत गुडीए फेट अछि गोटे फेट साडु को गला आ गोटे এভাবে ভাবে মুখ পারি যদি অক্সিজেন না ফর্মেন্টেশন মাইক্রো অর্গানিজম সাপোজ ইস্ট রে আমি ফর্মেন্টেশন কো ইউজ করি কি কোন বাহার করুচু C2H5OH প্লাস CO2 ইথাইল অ্যালকোহল তোমার অ্যালকোহলিক বিভারেজেস বিয়ার হুইস্কি রাম ব্র্যান্ডি যাহা হবো এইতরে ইউজ করি হবো সেই সুগার মলিকিউল কো ফর্মেন্ট করি কি আমি এটা বাহার করি পাইলু এটা আউ যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড সেপারেটলি ইউনিট বাহার করছু সেটা বেকারি ইন্ডাস্ট্রি রে দরকার হবে বেকারি ইন্ডাস্ট্রি এন্ড হিয়ার ইট ইজ ফর ব্রিউরি বেকারি ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ব্রিউরি ইন্ডাস্ট্রি অ্যালকোহল আউ কার্বন ডাইঅক্সাইড তো দিস ইজ দা এন্টায়ার সামারি কিন্তু অ্যানিমাল সেল রে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন হলে
लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, लैक्टिक एसिड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज बा बहुत एक्सरसाइज कला परे आम बॉडी रे पेन हुए, से पेन रो कारण होउछि दिस। आम जो एक्सरसाइज करुचु एनर्जी खर्च होउछि, एटीपी खर्च होउछि, जते खाद्य पदार्थ खाइथिनु ताकु यूज करा जाउछि, एटीपी प्रोड्यूस होउछि। एटीपी गोटे लिमिट परे टोटली शॉर्ट हो जाए बा बंद हो जाए, से एटीपी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे। से लैक्टिक एसिड टा मसल्स रे डिपोजिट हेले दैट गिव्स पेन। किछि समय परे ह्यूमन बॉडी रे पूरी साइकल मसल्स रे देके से फूनी ग्लाइकोजन तैयारी करके पठाई दिए लिवर, ग्लाइकोजन तैयारी करके लिवर को पठाई दिए। तो दिस इज अ लीनियर समरी ऑफ रेस्पिरेशन। देन इंडिविजुअल प्रोसेस थोड़ा कुछ बा, फर्स्ट वी विल गो टू ग्लाइकोलिसिस। स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस टा तमरो साइटोसोल बा साइटोप्लाज्म रे हुए। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे मध्य कहा जाए, ईएमपी पाथवे। ईएमपी रो फुल फॉर्म अछि एम्डेन मेयर हॉफ एंड पार्नास, तीनी जना साइंटिस्ट को नारे हेची ईएमपी पाथवे, एम्डेन मेयर हॉफ एंड पार्नास। ग्लाइकोलिसिस नाटा केंति आसिला ना, ग्लाइकोस मीन शुगर एंड लाइसिस means breakdown, sugar breakdown hai ki energy bahari ba process ko kuha jaye glycolysis. So EMP pathway aur glycolysis jodai ki cytoplasm le hue. So we will discuss this glycolysis in detail. Tenu arambh ro koi chi substrate ho chi glucose. When glycolysis starts तार सबस्ट्रेट होची ग्लूकोज, ग्लूकोज पाखरु आरंभ हो। एथी ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज टा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट हो बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। गोटे एटीपी यूज हो, एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट ग्लूकोज रो 6 नंबर। सो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हबो बाय एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी इनटू द 6th पोजीशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आई गेस नेमिंग एंड हबो हाईएस्ट नंबर रे लागो छे। एंजाइम हो जे हेक्सोकाइनेज प्लस एठी नोटिस कर एठी मु इरिवर्सिबल चिन्ह दे छी, ता माने वन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तैयार हेला माने से रिवर्ट बैक करके जीवन ग्लूकोज पाको, ये एडी फिक्स हेला बा फ्रीज आ फर्दर जीवन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तापरे कन्वर्ट हबो तमरो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज देन कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टो आइसोमराइज। ता माने ग्लूकोज टा जस्ट फ्रुक्टोज हेजी, ता माने गोटे आइसोमराइजेशन हेजी। ग्लूकोज मंडल का गोटे एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज गोटे कीटो, तन गोटे फंक्शनल आइसोमर रे कन ट्रांसफॉर्म नियाला। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे आउ गोटे एटीपी रो फॉस्फेट लागे, ये प्रोड्यूस करे फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एठी गोटे एंजाइम काम रे लागे दैट इज नोन एज PFK1। तले PFK टा कोन फॉस्फो
फ्रुक्टोकाइनेज वन ए एंजाइम होचे सबटो की एंजाइम जे की फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1 6 बिस फास्फेट रे तयारी करला या परे गोटे डेस्मोलाइटिक बा ओडे सिमेट्रिकल क्लीवेज हबो क्लीवेज है की तयारी हुए PGAL एंड DHAP दो टाइम से तयारी है तनु प्लस मु लिखि परबे एडीटा ही बाहर है किंतु DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये रिएक्शन बेसी करनी तारो कीटोन ग्रुप भीतर रह जाउ छी सति पई ये एल्डिहाइड रे कन्वर्ट हो जाए फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड ता माने वर्तमान दुईटा फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करबे एठी मोर पे ऑफ फेज सॉरी प्रिपरेटरी प्रिपरेशन सरला रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट ओवर वर्तमान आसीबा सेकंड पार्ट पे ऑफ जो कि ये वर्तमान एनर्जी यील्ड करबो पे ऑफ फेज रे एल्डिहाइड वर्तमान एसिड रे कन्वर्ट हबो H3PO4 इनऑर्गेनिक फास्फेट 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसेरिक एसिड एठी यूज करके 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसेरिक एसिड एपटे तमर आसीबो फॉस्फो ग्लिसेरेट काइनेज रो काम मन रखिता फास्फेट ग्रुप ऐड करबा बाहर करबा इन अ रिवर्सिबल मैनर सो सेठी हमरो 3 फास्फो ग्लिसेरिक एसिड प्रोड्यूस होए बाय दा को कहा जाए 3 PGA एई जगह रे आउ गो जिंस मन रखो एठी तमरो फॉस्फो ग्लिसेरल डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करे जहाँ फल एठी गोटे NADH मॉलिक्यूल बाहर NADH प्लस H प्लस 1,3 बीस फॉस्फो ग्लिसेरिक एसिड वर्तमान 3 PGA हो जाए हवा समय वर्तमान सीए फॉस्फोग्लिसेरो म्यूटेज फॉर्मेशन करे फॉस्फोग्लिसेरो म्यूटेज जे कि 2 PGA फॉर्मेशन करे कारण खाली देखो 3 PGA रो 2 PGA माने 3 नंबर कार्बन रो 2 नंबर कार्बन को खसी आसला त 3 PGA रो 2 PGA को चली आसला वर्तमान 2 PGA एठी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जदि तमे सब्सट्रेट सहित एक्वेंटेड एटा को लिखि दबो फॉस्फो इनोल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड एंजाइम होची एनोलेज जदा पर एठी 3 फॉस्फो बाहरी छी ता माने निश्चित जोड़े एटीपी तैयारी नीति को काई किना 1,3 बिस्फॉस्फो गोटे चली गेला 3 नंबर टा रहला ता माने निश्चित से फॉस्फेट पड़े गला एटीपी रे पहुंच गला वर्तमान एठी एनोलेज रिएक्शन कोई सल्ला करे लास्ट रिएक्शन रिमेंबर द लास्ट रिएक्शन इज अगेन इररिवर्सिबल द लास्ट रिएक्शन इज आल्सो इररिवर्सिबल बेटा पाइरुविक एसिड तयारी करची फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुविक एसिड तयारी करिवो बाय पाइरुवेट काइनेज पाइरुविक एसिड तयारी करिवो पाइरुवेट काइनेज एठी लास्ट एटीपी टा तैयारी करो दिस इज योर ग्लाइकोलाइसिस किंतु ग्लाइकोलाइसिस एतिक रे सॉरी नै एटा को भलसे बुझिबो को पड़िबो कोन कोन हे छि ना फास्ट फास्फेट लागिला त माने गोटे एटीपी डी यूज हो छि एठी सेकंड फास्फेट लागिला त माने गोटे सेकंड एटीपी यूज हो छि एल्डोलेज रे क्लीवेज हला पीजीएल बाहरला पीजीएल फास्फेट गोटे दबा को डिहाइड्रोजिनेज ठीक ही एनएडीएच दे छि गोटे एनएडीएच
मन रखी था तीनटा एटीपी प्रोड्यूस करे ये एठी आउ गोटे एटीपी प्रोड्यूस है एठी फाइनली आउ गोटे एटीपी प्रोड्यूस तो मुझे तुम के पचारी कि जे टोटल केतेटा एटीपी प्रोड्यूस होउची देखी कि रिएक्शन लुक हो मोस्ट ऑफ द पिला देखी कि फास्ट मिस्टेक टी करंती कोन ना तीन के तार के पांच पांचटा एटीपी बाहर छे किंतु समाने भूली जाती जे गोटे 2 मल्टीप्लाई है छे ए जगह रे गोटे 2 मल्टीप्लाई है छे ये जो 2 मल्टीप्लाई है छे या द्वारा सबु थरे वर्तमान मो 2 मल्टीप्लाई करी करी छे 6 एटीपी 2 एटीपी 2 एटीपी तनु 6 2 8 2 10टा एटीपी बाहर है टोटल एटीपी रिमेंबर टोटल एटीपी 10 बट दिस इज आल्सो नॉट द आंसर काहे कि ना एठी गोटे यूज है छी एठी गोटे यूज है छी ता माने 10 माइनस 2 8 विल बी द आंसर नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड इज दिस 8टा एटीपी तैयारी हो छी तरु ग्लूकोज में जेतबेले ग्लूकोज 6 फास्फेट ला गोटे एटीपी यूज हला यदि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट रे आउडे एटीपी यदि देखि पारो तमे 6 फास्फेट लागिला एटी 16 बेस फास्फेट आउडे फास्फेट लागला तानु दुईटा फास्फेट यूज होउची 1 एंड 2 पॉइंट रे यू कैन मार्क इट एज लाइक दिस 1 2 एक या दुई एठी ये दुईटा एटीपी यूज होउची तियारी कोठी होउची ए जगह रे एठी दुई मल्टीप्लाई करबा एठी मध्ये दुई मल्टीप्लाई करबा आ एनएडीएस जे तो तीनटा एटीपी प्रोड्यूस करूची एठी दुई गुणे इट विल बी 6 एटीपी सो टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इज 10 10टा एटीपी तैयारी होची दुईटा यूज हला नेट एटीपी 830 आ रिएक्शन रो एंजाइम गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट एक नंबर 10 नंबर मन रखी था एटा गुडा इरिवर्सिबल रिएक्शन एटा गुडा इरिवर्सिबल रिएक्शन माने एठी जेटा गुडा रिएक्शन पहुंची जुबो आ रिवर्ट बैक करबो नाही सेमती पीपी जेटा गुडा पाइरुवेट हे जुबो आ ये मधे रिवर्ट बैक करबो नाही जो सिचुएशन बा कंडीशन आसुना काही तो हमर जेटा गुडा एरोबिकली हमें कंसीडर करबा एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जेतो बारे हमें कंसीडर करबा नेट एटीपी 8 तमाने वायु उपजीवी आ गोटे एनएरोबिक अछि एनएरोबिक देखो कोन करबो ना इटा को जीरो कर दो विदाउट ऑक्सीजन दिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड तमाने 2 2 4 माइनस 2 आंसर विल बी 2 नेट एटीपी 2 एनएरोबिक रेस्पिरेशन रे 2टा एटीपी प्रोड्यूस हुए एरोबिक रेस्पिरेशन रे नेट 8टा एटीपी प्रोड्यूस सो दिस इज अबाउट योर ग्लाइकोलाइसिस